नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2021 के दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है रिलायंस का PDF कॉपी जो कि आप BSEIndia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट अपने कंपनी का जरूर देखें, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके रिजल्ट को जरूर कंपेयर करें कि रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या आपका कंपनी का जो है रिजल्ट का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी से एग्जिट हो जाए। अगर लगातार कई क्वार्टर तक डिक्रीज होता है तब आप एक दो क्वार्टर कभी भी रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन लगातार कंपनी का रिजल्ट का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, सेल्स इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको एग्जिट होना चाहिए। जैसे पैंडेमिक में बहुत सारी प्रभावित हुआ तो ये टेम्पररी बेसिस है, परमानेंट बेसिस पे प्रभावित होना चाहिए किसी भी कंपनी का रिजल्ट, तो हम उस कंपनी से एग्जिट कर जाएंगे, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, रेवेन्यू जो भी हो यहाँ पे है। ये क्वार्टर है हमारा दिसंबर क्वार्टर देखते हैं 20 और ये हमारा है दिसंबर क्वार्टर 19। ये फाइनेंशियल 2020 था, ये फाइनेंशियल हमारा जो चल रहा है 2021 चल रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्राप्त हुआ है 123,957 करोड़ का, और वहीं जो पिछले साल था दिसंबर क्वार्टर का वो था 157,165 इतना करोड़ था, ये हमारा रुपीज इन करोड़ है। और पिछले क्वार्टर में जो था, जो क्वार्टर हमारा सेप्टेम्बर था, उसमें 116,195 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इम्प्रूव हुआ है, और जो हमारा दिसंबर क्वार्टर था पिछले साल उसके कंपेयर में देखेंगे तो रेवेन्यू में काफी डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर रेवेन्यू जो 44,000 करोड़ से यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो रेवेन्यू में काफी डिक्रीज है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वहीं अब हम चलते हैं इनकम पर, तो रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम की बात करें तो 128,450 करोड़ है, जबकि टोटल इनकम जो था पिछले क्वार्टर में 120,444 था, और वहीं पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में जो टोटल इनकम था वो था 160,447। तो इनकम में क्वार्टर की तुलना में मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना में इनकम में इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इनकम में डिक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ है। इसका इम्पैक्ट है कोविड-19 का, कोविड-19 इम्पैक्ट के कारण रिटेल कारोबार प्रभावित हुआ है, पेट्रोकेमिकल कारोबार प्रभावित हुआ है, और ऑयल एंड गैस रिलायंस के ये सारे जो रेवेन्यू है वो सारा प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पर चलते हैं एक्सपेंस के, तो क्योंकि एक्सपेंस अगर काफ़ी बढ़ जाए तो इनकम बढ़ने के बावजूद जो है हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो वही यहाँ पर बात करें टोटल जो एक्सपेंस है वो है 113,422 करोड़ का, और जो पिछले क्वार्टर में था 109,960 करोड़ का था, और जो हमारा दिसंबर क्वार्टर था पिछले साल का उसमें था 145,365 करोड़ का। क्वार्टर बेसिस करें एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि पिछले साल की तुलना में कहें पिछले दिसंबर क्वार्टर की तुलना में तो एक्सपेंस भी डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 14,982 करोड़ का है, और जो पिछला क्वार्टर था उसमें था 10,589 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी जो है इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वहीं बात करें जो पिछले साल था मतलब दिसंबर क्वार्टर पिछले साल का तो 14,962 करोड़ का था, तो इसके कंपेयर में लगभग फ्लैट है, मतलब सिर्फ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है 20 करोड़ का दिख रहा है, तो 20 करोड़ का इम्प्रूवमेंट एक तरह से फ्लैट ही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है लगभग फ्लैट है। वहीं एक्सेप्शनल आइटम, जो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब कोविड-19 का इम्पैक्ट आपने देखा था उस समय एक्सेप्शनल आइटम में एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था, इस बार जो एक्सेप्शनल आइटम है उसमें एडजस्टमेंट मात्र 121 करोड़ का है, और पिछले जो दिसंबर क्वार्टर था पिछले साल का उसमें 177 करोड़ का था। एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी कम देखने मिल रहा है, जबकि जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिला था कोविड-19 के कारण। उसके बाद नीचे चलते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ है 14,894 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 10,600 करोड़ का। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना में। वहीं बात करें जो पिछले साल का दिसंबर क्वार्टर था तो 11,841 करोड़ का था, इसके कंपेयर में भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें काफ़ी इम्प्रूव देखने मिला है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस दिसंबर क्वार्टर पिछले के कंपेयर में लगभग 3,000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर हम
पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। वहीं कंप्रेहेंसिव इनकम आप देखते हैं, कंप्रेहेंसिव इनकम में आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगा। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे भी आपको कई सारी चीज़ें हैं। नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेड टू द ओनर ऑफ द कंपनी, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया, तो आप नेट प्रॉफिट देख लें ज़्यादा बेटर है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 13000 करोड़ का, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है हमारा 13000 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था कितना 9567 करोड़ का, तो इसके तुलना में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर पिछले साल का तो 11640 करोड़ का था नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन सब चीज़ें हैं, तो रिजल्ट में जो है आपको काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें देखने मिलती है। तो रिजल्ट आप जरूर देखा कीजिए, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके रिजल्ट पे आपको हमेशा मतलब ध्यान लगा के रखना है। उसके बाद जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, क्योंकि कंपनी कभी स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर बेसिक जो आप देखिएगा अर्निंग पर शेयर तो 20 रुपीज़ 33 पैसा का है, और वहीं पिछले क्वार्टर में था ये 14 रुपया 84 पैसा का, और वहीं पर जो दिसंबर क्वार्टर था 19 का उसमें था 18 रुपया 24 पैसे का। तो बेसिक जो है ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वहीं एक्सेप्शनल आइटम, तो एक्सेप्शनल आइटम कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पर ले एक्सेप्शनल आइटम, तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम तो ये 20 रुपीज़ 51 पैसा, कुछ खास अंतर नहीं है, मात्र कुछ पैसे का है। तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 रुपीज़ के लगभग अर्निंग पर शेयर में इम्प्रूवमेंट देखने मिला। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है रिलायंस का, जबकि पैंडमिक के कारण काफ़ी सारे बिजनेस जो है प्रभावित हुए हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल का बिजनेस प्रभावित हुआ है कंपनी का, ऑयल और रिफाइनिंग का बिजनेस प्रभावित हुआ है। तो जो कि आप सेगमेंट वाइज अगर देखना चाहते हैं रिजल्ट, तो आप नीचे चलेंगे, इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम कंसोलिडेट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट वाइज, तो क्योंकि सेगमेंट कौन सा सेगमेंट इम्प्रूव हो रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट वाइज सेल्स एंड सर्विस, मतलब रेवेन्यू जो है सेगमेंट वाइज वो यहाँ पर देखते हैं। ऑयल टू केमिकल, जो ऑयल टू केमिकल में बिजनेस करती है 83000 करोड़ का यहाँ पर इसका रेवेन्यू है, वही पिछले क्वार्टर में था 76184 करोड़ का, और जो दिसंबर क्वार्टर था 19 में तो 119121 करोड़ का था। तो इसमें मतलब देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है ऑयल टू केमिकल का रेवेन्यू। वहीं ऑयल टू गैस ये तो काफ़ी कम है, ऑयल टू गैस ये 434 करोड़ का है, जबकि पिछले में था 355, और दिसंबर क्वार्टर 19 में था 873 करोड़, ये भी काफ़ी मतलब डिक्रीज हुआ है। वहीं रिटेल जो कारोबार है, रिटेल कारोबार में रेवेन्यू आया है 36887 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 39199 करोड़ का, तो इसमें डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर 19 में था 45348 करोड़ का। तो रिटेल सेक्टर में काफ़ी मतलब डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू। वहीं डिजिटल सर्विस सेक्टर, इसमें देखिएगा 23000 करोड़ का यहाँ पर 23678 करोड़ का रेवेन्यू था इस मतलब दिसंबर क्वार्टर इस बार का 20 का, और पिछले क्वार्टर में था 22679 करोड़ का, तो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव देखने मिला है। और वहीं बात करें दिसंबर 19 में तो ये रेवेन्यू था 17849 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है रेवेन्यू, और जबकि पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम मतलब इम्प्रूवमेंट देखने मिला। यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है, लगभग 1000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है रेवेन्यू में। यहाँ है फाइनेंशियल सर्विस एंड अदर्स, फाइनेंशियल सर्विस से देख सकते 641 करोड़ का है, और यहाँ पर 612 करोड़ का, तो यहाँ से आप फाइनेंशियल सर्विस का फिर अदर्स से देख सकते हैं। तो टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो आपने यहाँ पर देख लिया 123997 करोड़ का। यहाँ पर जो रेवेन्यू सबसे इम्प्रूव हुआ है किसका, डिजिटल सर्विस सेक्टर का, मतलब जियो का। जियो जो हमारा आता है डिजिटल सर्विस में आता है, तो रिलायंस का जो डिजिटल सर्विस है मतलब जियो है, वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रिलायंस के लिए। और रिलायंस जियो जब अलग से लिस्ट होगा तो आपको ये रिजल्ट काफ़ी फायदेमंद होगा जियो से रिलेटेड, क्योंकि जियो काफ़ी बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा है रिलायंस को, तो इसलिए जियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है रिलायंस के लिए। और जब से रिलायंस का जियो बिजनेस आया है तभी से रिलायंस के शेयर में भी काफ़ी तेजी देखने मिला है। तो जो अर्निंग है आफ्टर टैक्स उसको देखते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग का, तो सेगमेंट वाइज जो अर्निंग है ऑयल टू केमिकल, तो ये है देख सकते 7647 करोड़ का,
और वहीं पर पिछले क्वार्टर में यह था 6,750 करोड़ का, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। वहीं जो दिसंबर क्वार्टर 19 में था वहाँ पे था 11,284, तो यहाँ पर भारी कमी आया है। देखते हैं अर्निंग जो है, जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है ऑयल टू केमिकल सेक्टर का। वहीं ऑयल टू गैस ये तो निगेटिव में है, मतलब लॉस में है। ये रिटेल में बात करें तो 2,609 करोड़ का है जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहीं पिछले क्वार्टर में था 1,542 करोड़ का, तो यहाँ पर भी जंप हो रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग में यहाँ पे भी जंप है प्रॉफिट में, जबकि प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में 2,395 का, तो यहाँ पर 2,395, तो यहाँ पे भी जंप है। तो रिटेल जो है प्रॉफिट में जंप किया है, रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ था रिटेल का, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है क्योंकि रिटेल कारोबार भी अलग से लिस्ट हो सकती है रिलायंस का, तो इसलिए ध्यान देना है इस पर। फिर डिजिटल सर्विस है, ये इसका जो मतलब प्रॉफिट है 5,716 करोड़ का, तो 5,716 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 5,157 करोड़ का, और जो दिसंबर क्वार्टर है 19 में यहाँ पर था 3,903 करोड़ का। तो ये देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो इम्प्रूव हुआ ही, प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी इम्प्रूव हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग 50% का जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में 50% का जंप है। तो जो जियो है मतलब जो डिजिटल सर्विस सेक्टर है इसका रिलायंस का काफ़ी बेहतरीन कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए जब भी मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा जियो में। तो अगर जियो का आपको मिल रहा है कहीं पर भी शेयर, किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिलायंस के लेवल्स और टारगेट का। तो रिलायंस यहाँ पर देख लीजिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था ये जो 200 का EMA है इस पर लगातार सपोर्ट लिया है नीचे की ओर, और ऊपर जो ये रेसिस्टेंस है इसका देखते हैं 2100 रुपये का, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पहले भी ये सपोर्ट हुआ करता था 2100 रुपया, जो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2100 रुपया पहले सपोर्ट हुआ करता था यहाँ रिलायंस का, अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है। अगर 2100 रुपया के ऊपर ये जाता है और 2100 से 2200 का रेंज ये देखते हैं, ये रेंज पहले हुआ करता था ये इसी रेंज में 2200 से 2100 के रेंज में यहाँ पर देखते हैं कि ये मूवमेंट करता था। जब ये 2200 के ऊपर गया तो एक तेज मूवमेंट अब आपको देखने मिला लगभग 2370 रुपये तक का, 2370 रुपये तक का एक ज़बरदस्त मूवमेंटम देखने मिला। फिर वही करना है 2100 से 2200 के ऊपर जैसे निकलता है 2200 के ऊपर तो आपको यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। और फिर अब यहाँ पर देखना है ये जो ऊपर का रेसिस्टेंस है इसका 2370 रुपये का, यहाँ से अगर ऊपर चलता है तो फिर आपको एक ज़बरदस्त मोमेंटम आगे जो है 2500 3000 तक का देखने मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका, ये 200 डे का EMA ये नीचे इसका सपोर्ट है, अगर इसको ये ब्रेक करता है रिलायंस तो यहाँ एक बड़ी गिरावट मतलब कहें एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। ऐसे अब उम्मीद नहीं है कि ये ब्रेक करेगा क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है पैंडेमिक के प्रभावित होने के बावजूद। ऊपर जो है 2100 रुपये इसका रेसिस्टेंस है, फिर 2100 से 2200 ये रेसिस्टेंस रेंज है इसका, इस रेंज को पार करता है 2200 के रेंज को ऊपर क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पर 2370 को देखना पड़ेगा क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है, उस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते चला गया अगर उसी मोमेंटम में, क्योंकि जो तेजी होती है उस तेजी में क्रॉस करते चला जाता है, तो समझ जाइए कि ये तेजी जो है आपको 2500-3000 तक लेके जा सकता है रिलायंस को। तो कल देखना है कि रिलायंस कैसा रिस्पांस करता है रिजल्ट पे, क्योंकि आज तो रिलायंस में गिरावट देखने मिला लेकिन रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है, तो रिजल्ट पे किस तरह से रिस्पांस करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि रिलायंस में आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, और एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप नीचे देख ही रहे कि 200 EMA पे सपोर्ट लिया है, ऊपर 2100 से 2200 का रेंज इसका रेसिस्टेंस रेंज है, और वहाँ क्रॉस करता है तो फिर इसका ऑल टाइम हाई जो एक बार रेसिस्टेंस का काम करेगा उसको क्रॉस करते चला गया तो फिर 2500-3000 का इसका रेंज होगा। अगर नीचे ये 200 डे के EMA को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक करेक्शन या बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और
और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।